हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ असैसिन्स क्रीड मिराज। एंड गाइस, लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने बहुत सारे क्लूज को एनालाइज करके फाइनली हिडन वंस गैंग के मिसिंग मेंबर को ढूंढ निकाला था। बट इसी चक्कर में गाइस, हमारे गेम का मेन कैरेक्टर बैसिम, उसकी नोटोरियटी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, यानी कि ये सारे सिटी के गार्ड्स बैसिम के पीछे पड़ चुके हैं। तो बिफोर वी प्रोसीड, हम लोगों को ये नोटोरियटी लेवल को कम करना पड़ेगा। एंड उसका तरीका इज रिमूव वॉन्टेड पोस्टर्स और ब्राइब अ मुनादी। तो यहां से हम लोग अपनी गेम आगे कंटिन्यू करते हैं गाइस, एंड सबसे पहले अपनी हीट लेवल को रिड्यूस करते हैं। तो यार, सारे सिटी के गार्ड्स ऑन हाई अलर्ट होंगे अभी, तो केयरफुली प्रोसीड करना पड़ेगा। मैप चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कहां जा सकते हैं हम लोग। इतने दूर तक पहुंचना होगा आई थिंक हमें, बट अगर रास्ते में कोई पोस्टर्स मिल जाए तो बहुत सही हो जाएगा। एक ईगल सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, थोड़ा भी इधर उधर भागने से ना कहीं से सिग्नल आ जाता है अलर्ट का। नीचे कोई है? लुक्स क्लियर। बिकॉज गाइस, जब तक नोटोरियटी लेवल लो नहीं हो जाती तब तक हम लोग फ्रीली रोम भी नहीं कर सकते इस सिटी में। चढ़ जा भाई। अच्छा, सामने से एंट्री है। गॉट इट गॉट इट। अरे भाई चढ़ जा। हाँ लेट्स ट्राई दिस गाइस, क्या पता ईगल सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट के बाद शायद और पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट अनलॉक हो जाए। तो अगर आसपास कोई पोस्टर्स मिल गए तो बहुत इजी हो जाएगा। ओके okay. एक बार मैप चेक करते हैं। नहीं, आई थिंक फिर हमें यहीं पहुंचना होगा गाइस। मोस्टली पोस्टर्स जो होंगे गाइस वो स्ट्रीट लेवल पे होंगे, बट स्ट्रीट लेवल पे घूमना भी बहुत ज्यादा रिस्की है। बट जहां गार्ड्स दिख नहीं रहे वहां तो घूम ही सकते हैं। कहां पे होंगे यार ये पोस्टर्स? चेरा चलो। अरे यार, पावर टोकन नीडेड, मतलब टोकन भी नहीं अपने पास, तो मतलब एक ही उपाय है, पोस्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। एक पोस्टर शायद सामने ही दिख रहा है, समवेयर हियर। ये रहा। ओ नाइस, एक लेवल डाउन हो गया और एक पोस्टर पास में ही है। बढ़िया। और कहाँ है? और कहाँ है? ढूंढो, मतलब पोस्टर्स ढूंढना है तो हम लोगों को स्ट्रीट लेवल पे ट्रैवल करना है, ये समझ आ गया। एक सामने ही है 20 मीटर्स। अरे अरे, अंदर नहीं, अंदर नहीं भाई। कहाँ है? कहाँ है? यहीं कहीं है यार पोस्टर। हाँ, ये रहा। Better keep on. Ali has gone and regrouped with the rebels. तो ऑब्जेक्टिव चेंज हो चुका है। रीग्रुप विद अली, द रिबेल्स आर एट अ वाटर मिल ऑन द नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स। ठीक है, मैप चेक करते हैं। तो अभी गाइज,
पैसिव हाई अलर्ट पे नहीं है, यानी कि सिटी में फ्रीली रोम किया जा सकता है। तो अब हमें यहां पहुंचना है सिटी के आउटस्कर्ट्स में। ठीक है, लेट्स गो। बट लास्ट वाला एपिसोड गाइस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया तो आई हाईली रिकमेंड एक बार चेक जरूर कर लेना, बहुत सही मजा आया था। क्लूज को एनालाइज करके हम लोग फाइनली मिसिंग मेंबर तक पहुंच गए थे, एंड भाई वहां से एस्केप करने के चक्कर में खतरनाक वाली अलार्म बज गई थी। बट वैसे ये गेम बहुत सही बनाया यार, इन लोगों ने स्टिल्थ पे ज्यादा फोकस कर रखा है इस बार। वैलहैला जो था उसमें ज्यादा तोड़ फोड़ एक्शन भरा हुआ था, इसमें स्टिल्थ गेम प्ले ज्यादा भरा है। पिक पॉकेट, और रे भाई इससे पहले कि उसको डाउट हो निकलो यहां से। सही टाइमिंग पे अगर प्रेस नहीं किया ना तो पिक पॉकेट फेल हो सकता है। ओके, वी आर आउट। ए, तुम लोग क्या झगड़ा कर रहे हो रे, पिक पॉकेट। अब झगड़ते रहो। अच्छा दिखाया एनपीसीज का इंटरेक्शन। बट एक काम करते गाइस, अपने राइड को बुला लेते, लेट्स गो। पहुंच गए। Now, where is Ali? देखते हैं अब गेम स्टोरी में आगे क्या होता है। बट बिफोर दैट गाइस, अपना फेवरेट ईगल सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट दिख रहा है, फटाफट से कर लेते। अंदर क्या है? ओके, सम ट्रेजर एंड रिसोर्सेस एंड एक ब्यूटीफुल व्यू। प्यारे ग्राफिक्स है यार, मानना पड़ेगा सही में। All credit where it is due, for this man came to my aid at my darkest hour. And from what I have heard, I am not the only one. I will pay a great tribute to you in a chronicle of our exploits. But we must first write the end of it. Come. I see you two have met. Only briefly. But the night is young and there is much to discuss. About what you can procure for me. Our means are limited, but rest assured, I will listen to your needs, Ali. Later. Share what you know about Al-Ghul, so that Bassem may do what he's come here to do. Yes, yes, yes. Your affairs before mine. But just this once. Al-Ghul sends orders to the prison guards detailing where to dig around Baghdad. But it's not just prisoners he's using. There is a promissory note for workers here. It looks like Al-Ghul arranges to purchase migrant laborers as well. Who in Baghdad could make these sorts of arrangements without raising suspicion? There is but one man, Mas'ud al-Yaqub. He runs Baghdad's soap mills, finds paying work for foreign settlers, most of them Persian. So he forces these laborers into working his dig sites, all under the guise of providing them with a livelihood. अरे बेशी को क्या हुआ? He tracked down one of Al-Ghul's dig sites, posed as a prisoner. What happened? The search turned up nothing, but that did not stop the guards from trying to silence us.
I cracked one skull and fled. I doubt the others were as lucky. A foolish thing to do with nothing to show for it. Not nothing. Al-Ghul will be at the Karwansarai. I overheard the guards talking. Acha, beshi information leke aaya. Merchants from all over stop there to rest. If Mas'ud is buying migrant workers, it is likely the Karwansarai is where he conducts his affairs. What does he look like? He is a large man. Favors adornments like jewels and silks from the east. Then he will be hard to miss. It is time, Bassam. What is your plan? That will be for Bassam to decide. Bassam? Alone? No. Let me gather some men. And allow for foolish spectacle. Your day to display your prowess will come. But this day belongs to Bassam. Consider it part of our agreement. Bassam? Okay, I am ready. Of course, यही select करना है. Ready. Then what? Ready कब नहीं होते यार हम लोग. But according to the game story, guys, जैसे कि सारे Assassin's Creed की games में होता है, Order of the Ancients versus the Hidden Ones की gang होती है. तो most probably जो target unveil हो चुका है, वो Order member है, and इस game का वही target रहने वाला है कि सारे Order members को remove करना है. तो first Order member target is Al-Ghul. तो आई थिंक अभी के लिए उसे गेम से हटाना पड़ेगा बट करंट ऑब्जेक्टिव इज फॉलो रोशन. तो चलो An order member is within our reach, Bassam. Exactly. तो जैसे कि मैंने कहा गाइज Al-Ghul इस गेम में ऑर्डर मेंबर है एंड हिडन वंस का एनिमी है. एंड इन लोगों ने ये चीज पता लगाया गाइस कि Al-Ghul जो है वो कुछ तो लेबरर्स को लेके जबरदस्ती डिगिंग करवाता है किसी एरिया में, पता नहीं कुछ आर्टिफैक्ट्स ढूंढने के लिए. तो ये सारे क्लूज को एनालाइज करके शायद से उसके पता एग्जैक्ट हमें मिल चुका है एंड हम लोग वही प्रोसीड कर रहे हैं रोशन को फॉलो करते हुए. Know that you have impressed me, Bassam. The Order's presence in Baghdad and beyond rests on shifting sands, so long as you remain at the tip of our spear. And that is where I intend to remain. Beholden to your guidance, Master. Busy as a beehive. Come, set your sights on the trial that awaits you. Merchants, livestock, caravans from all walks. And I thought Anbar's markets were disorderly. Where there is disorder, there is chaos, and chaos can bring opportunity. See what avenues present themselves. Be reactive, but patient. And trust your instincts. भाई बहुत बड़े प्रेमाइसेस है, इसके अंदर इजी नहीं रहने वाला है. ओके ये रहा, यहां तक पहुंचना यार. गो नाउ, वेट इट विद द ब्लड ऑफ द स्लेन. आई विल फाइंड यू व्हेन इट इज ओवर. You think your cruelty is well hidden, Al-Ghul. For you chose those with little voice, whose cries you knew would go unheard. They dug at your bidding, died at your hand, and were cast away like so much wreckage. Okay, इस तरीके से innocent लोगों को ये लेके आता है and digging करवाता है. For some artifact. Exactly, ठीक है. Even now you haggle for flesh, safe in the Karwansarai. You prefer your victims chained. Ye one of the masked man hai guys. It is yes. Time you
faced a man unbound. Well, obviously इस गेम में अपना एनिमी. तो ऑब्जेक्टिव इज क्लियर एंड इस बार लुक फॉर डिस्ट्रैक्शन अपॉर्चुनिटीज एंड चार है. ठीक है. कॉल एनकीडू और ईगल विजन टू डिस्कवर अपॉर्चुनिटीज. ओके यार, ये गेम में ना थोड़ा यूजर पे जिस तरीके से प्लेयर खेलना चाहता है ना वो अपने हिसाब से खेल सकता है गेम. अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है अपने पास एंड हमें अपने प्लेइंग स्टाइल के हिसाब से चूज करनी है. तो एनकीडू को यूज करके देखते हैं कौन से अपॉर्चुनिटीज है. ओके, दिस इज वन अपॉर्चुनिटी और एक येलो सर्कल दिख रहा है समवेयर दिस साइड. और कुछ है नहीं, बट अपने पास कोई भी टोकन्स नहीं है गाइज. पेशेंस, डिसिप्लिन, गाइड मी. गार्ड्स भी बहुत होने वाले हैं ऐसा लग रहा है ऑलरेडी. देखो यहीं पे ऊपर है भाई साहब. थोड़ा ऊपर से स्ट्रैटेजी बना लेते हैं गाइज. भाई टेरेस पे भर भर के गार्ड्स है, तो यहां से एंटर करना इतना इजी तो नहीं होने वाला है. ये क्या है? सीक्रेट एंट्रेंस. नाइस. तो ये फायदा होता है गाइस सही तरीके से एनालाइज करने का. तो एक सीक्रेट एंट्रेंस के बारे में तो हमें पता चल ही गया है, बट हमें किसी ना किसी तरह से डिस्ट्रैक्शन अपॉर्चुनिटीज ढूंढने हैं सो दैट जो अपना मेन टारगेट है वो शायद बाहर आ जाए, बिकॉज वो क्लियरली यहां कहीं भी विजिबल नहीं है. इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी गाइस, बट केयरफुली खेलना होगा. चलो ठीक है, आगे बढ़ते. ये है ना क्लोजेस्ट, इसके पास जाते हैं. बहुत सारे गार्ड्स हैं. I am not certain. Some guards came poking around and ordered us all to wait. What delays your departure, friend? Someone by the name of Mas'ud saw fit to inspect my wares. And so here I wait. Who does he think he is? What is it you are carrying? I ask only so that I may collect it for you. Would you do that? I would take great joy in seeing that man in a fit of anger. There's a crate of silks and spices. Ready your camel. I will see what I can do. At this if rate, I can we get that merchant to leave, sundown. His abrupt departure may lure Al-Ghul out. Okay. So guys, ये बंदा एक merchant है, and इसका कुछ तो important सामान इस facility के अंदर है. तो अगर हम लोगों ने इसे वो दे दिया, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, and उस distraction को feel करते हुए target बाहर आ जाएगा. तो ओके, एक काम करते हैं, अब सीक्रेट एंट्रेंस यूज करते हैं. एंड ऑब्जेक्टिव चेंज हो चुका है, रिटर्न द कन्फिस्केटेड आइटम टू द कैरावन लीडर. तो इसका जो भी आइटम है Cast your gaze and Kidu. वो आई थिंक इस फैसिलिटी के अंदर ही है. भाई इतने सारे गार्ड्स के बीच में से जाना पड़ेगा क्या? चलो ठीक है, पहले तो सीक्रेट एंट्रेंस से जाते हैं एंड इसको इसका सामान लौटाते हैं. तो इसको फिर वेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं रहेगी एंड ये यहाँ से निकलने लगेगा. एंड जब ये यहां से निकलेगा तो अपना मेन टारगेट इसे देख के वरी करेगा एंड बाहर आ जाएगा शायद. होपफुली देखते हैं, ऐसे ही होना चाहिए. बट ये सीक्रेट एंट्रेंस कहां है भाई? ओके ऊपर एक गार्ड तो यहीं पे. आराम से, ध्यान से. ओके दो लोग हैं सामने जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो चलो आगे बढ़ते हैं. भाई भाई यार इजी बिल्कुल नहीं होने वाला है. एनक्यूडू की हेल्प लेनी पड़ेगी. अगर हम लोग यहां से चढ़ के जाते हैं तो सबसे पहले ये आर्चर तो पीछे देख रहा है एंड एक सामने है.
एंड यहाँ पे भी दो लोग हैं भाई, कैसे हटाएंगे इतने लोगों को? कहीं गलत तो नहीं खेल रहे? वेट, कोई और रास्ता ढूंढते हैं। क्योंकि टेरेस वाले गार्ड्स को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूज लिफ्ट। व्हाट डू यू सी एनकिडो? ओके, सबसे पहले तो ये लिफ्ट यूज कर सकते हैं। सामने गार्ड्स है दो, एक घूम के आ रहा है। लेट्स वेट हियर गाइस। आया क्या? आया इधर तक आया, बट घूम के नहीं आया यार। वन डाउन, कांड करना स्टार्ट। दूसरे की बारी, चल बेटा निकल। दूसरा भी गया, सही तरीके से स्ट्रैटेजी अप्लाई करते रहनी होगी। भर भर के लोग हैं। ये पलटने से पहले इस पे होगा पीछे से वॉर। कम ऑन, कौन हाइड। ओके चलेगा। वी आर गुड, किसी को डाउट नहीं हुआ है। अरे भाई, नाइस, खुद चल के आ गया यार अपने पास। लुक्स गुड। नेक्स्ट टारगेट, पीछे मत मुड़ना। एंड यस, बस इसी तरीके से गाइस। नीचे दो टारगेट है, डाउन। और कितना है? अंदर से दो आए, अटैक नहीं कर सकते अभी के लिए। लेट्स वेट, एक को अटैक करेंगे तो दूसरा देख लेगा। भाई ऊपर आने लग गया, भागो। समझदार है यार इस गेम में गार्ड्स। सही में ऊपर आने लग गए दोनों। लेट्स गो, बट अभी के लिए हम लोग हाइड करके आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देख रहे हो गाइस इनका कवरेज कितना घूम घूम के आ रहा है। ये आजा भाई। नाइस, बहुत सही। और एक, इसको सीटी बजा के बुलाता है। इधर। चलो, सो फार सो गुड, अभी तक बहुत सही चल रहा है। अलर्ट किसी को भी नहीं किया है, और यहां अगर अलर्ट कर भी दिया ना फिर तो गेम ओवर है। इतने सारे आ जाएंगे कि हम लोग हटा ही नहीं पाएंगे फिर। ये बेल है राइट, आउट ऑफ एमो। अरे यार नहीं, बेल को अगर हम लोग हटा दिया ना तो रीइंफोर्समेंट्स भी नहीं आएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा है गाइज, ये गेम में स्टिल्थ एंड स्ट्रैटेजी पे ज्यादा फोकस है। ऐसा नहीं कि भाई बस घुस जाओ और अटैक करते हुए खत्म कर लो। वन मोर डाउन, ये उधर कहां चला रहा है पगले।
नाइस, सीटी बजा के बुलाओ और बूम। इसको हेड ऑन तो हम लोग जा नहीं सकते बिकॉज सामने ही बैठा है। सीटी बजा के ट्राई करते हैं इसको यहाँ पे डाइवर्ट करने का, बट आई डोंट थिंक होगा गाइस क्योंकि काफी दूर है और उसका दोस्त भी घूम रहा है। बाय द वे जो सामान लेने हम लोग आए मर्चेंट का वो सामने ही दिख रहा है, यहीं कहीं है बट फैसिलिटी के अंदर ही है, तो पहले जितने गार्ड्स को क्लियर कर लेंगे उतना इजी हो जाएगा। चलो ये पलटा, अबे नहीं 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 नहीं, कांड हो गया, निकलो इससे पहले कि स्पॉट करे, निकलो। आया ना, नहीं आया, डाउट हुआ भाई को। आजा, ये खा। अब इसकी बारी, ये भी गया। ये विसल वाली ट्रिक बहुत सही है और मुश्किल से आई थिंक टेरेस पे तीन गार्ड्स बच गए। कम ऑन, नहीं दूर है, पीछे मत मुड़ना प्लीज भाई, बहुत क्लोज कॉल हो सकता है। नाइस वन, दिखा भाई, मत देख। हाइट आ रहा है, यही आ रहा है। गया, नाइस वन गाइस। आई थिंक काफी सारे गार्ड्स को हम लोगों ने रास्ते से हटा दिया है। नीचे कितना है, आई डोंट थिंक फर्क पड़ना चाहिए, ये एक नीचे कोई तो है। अच्छा, ये अनदर अपॉर्चुनिटी था डिस्ट्रैक्शन का, बट अभी के लिए एक पे फोकस करते हैं। जो सामान हम लोग लेने आए हैं उसका सिंबल इस रेड वाले ऑब्जेक्ट के साथ मैच करता है। डिस्ट्रैक्ट गार्ड्स, ओके, एंड इसके लिए भी टोकन चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। तो ये समझ आ चुका है कि टोकन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसे हम लोग टोकन दे देते तो ये गार्ड्स को ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट कर लेता। भाई और एक है यहाँ पे, ये रहा सामान वो मर्चेंट का, बट बिफोर दैट चेस्ट कलेक्ट कर लेते हैं। कैरी, पंजेंट, दिस मस्ट बी द कैरावन मर्चेंट्स क्रेट। ओके, अब बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। हम लोग आए थे इस तरफ से तो यहीं से जाने में समझदारी होगी, बिकॉज अगर हम लोग स्ट्रेट जाएंगे तो यहाँ के गार्ड्स हमने शायद क्लियर नहीं किए, राइट? तो इस तरफ तो नहीं जाएंगे स्ट्रेट। तीन, पांच, कितने गार्ड्स हैं यार इस तरफ? नो, ये रास्ता नहीं, पीछे वाले रास्ते से, यहां से स्ट्रेट जाके। ओके, लेट्स ट्राई। अरे भाई यहां पे भी गार्ड्स है, वेट, यहां से नहीं जा सकते। शो मी द पाथ अहेड। नीचे से है कोई एंट्री? आई थिंक वी कैन गो फ्रॉम हियर।
यहाँ पे भी लोग हैं यार, भटक गए क्या हम लोग? एनी वेट वेट रुको, यहाँ से नहीं जाते। एक तो ये बक्से को लेके आई डोंट थिंक स्विम कर पाएगा, एक बार वो भी ट्राई कर सकते हैं। पानी में जाएगा भाई? नहीं, कूद ही नहीं रहा इस तरफ। यहां से जंप नहीं करेगा यार? हाँ, नाइस, गुड। तो अभी वो मर्चेंट कहाँ है? शो मी एवरीथिंग। उस तरफ है, ठीक है। पूरे बाउंड्री वॉल को घूम के जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बिकॉज ये पेशेंस वाला गेम भी है, हड़बड़ी में हम लोग खेल नहीं सकते इसे। तो बहुत सही तरीके से हम लोगों ने स्ट्रैटेजी लगाई गाइस। पहले तो सीक्रेट एंट्रेंस ढूंढ लिया, सारे टेरेस गार्ड्स को निपटा लिया, एंड फिर ये कैरावान जो है हम लोग लेके देने वाले मर्चेंट को। उसका जो भी पार्सल है भाई रख ले, हैंड डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना चालू कर देना उसके बाद, तो होपफुली जो टारगेट है वो बाहर निकल आएगा। Is that what I think it is? Is this your crate? Ah, it is indeed. The guards returned it to you. In a manner of speaking. Very good, very good. I must repay you. You seem like a man who enjoys a good meal. Care for some spice? Not today, no. But I will ask that you loudly proclaim your departure. Make sure Mas'ud notices. We share the same mind. My thanks to you, ya sadiqi. धीरे धीरे आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी दिस गाइस से बाहर नहीं निकलना है। ये डिसगाइज के वजह से गार्ड्स हमें पहचान नहीं पा रहे। तो ये कैरवन लीडर को हमने हेल्प किया, इसलिए भाई हमें हेल्प कर रहा है, ऐसा होने वाला है। A strange thing to happen upon. Perhaps I can use this to my advantage. Word will surely get to Al-Ghul. From the latest caravan. Come out and spare me. From the east. Coward. To you, my friends. If you have been finer, okay, वो रहा टारगेट, वो बाहर आ चुका है। He is exposed, ठीक है। ओह, ऊपर एक स्कल का सिंबल आ रहा है, ठीक है, got it, guys. अच्छा वाह, सारे टेरेस के गार्ड्स क्लियर हो चुके हैं। This ends now. भाई साहब, एक ऑर्डर मेंबर को हटा दिया गया है गाइज, एंड इट्स टाइम फॉर सम एनिमेशन। खतरनाक एनिमेशन दिखाया जाएगा। ये मोर और लेस बेस्ड ऑन असासिन्स क्रीड वैलहैला लग रहा है गाइस, उसमें भी ऐसे ही दिखाया जाता था। इट इज योर विकेडनेस दैट हैज लेड यू हियर। विकेडनेस टू हूम? द अनएनलाइटेंड, द फीबल हु हैव कास्ट देयर लॉट। इट इज आवर डिवाइन विल टू रूल ओवर देम, आवर ड्यूटी टू एक्सैक्ट देयर कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन टू व्हाट? टू व्हाट कुड बी? The very knowledge of which lies buried beneath these sands. Some things are meant to stay that way. No. These are gifts destined to be recovered. They speak to us, as you well know. Me? Oh, yes.
A hidden one you may be, but not just. कुछ तो गड़बड़ है। म्यूजिक भी थोड़ा स्कैरी सा हो रहा है। ओ, पैसिम का नाइटमेयर। इसको ये पता नहीं क्या अतरंगी सी चीज हॉन्ट करते रहती है फर्स्ट एपिसोड से। ये क्या है? असासिन्स फोकस, वेयर आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, R3 to execute perfect sequence, R1 and X, replenish the focus bar by performing stealth kills in order to be able, ठीक है, try करते हैं, oh, ये कुछ cool है यार, okay, भाई साहब, खतरनाक यार, तगड़ा action. ये एक नया गेम प्ले मैकेनिक्स डाला हुआ है इस गेम के अंदर। निहाल, बैसिम, आई थिंक बैसिम की फ्रेंड निहाल थी वो, बट तभी रोशन आ गई एंड उसने बैसिम को खींच लिया। लेट्स सी आगे क्या होता है। Al-Ghul's relentless pursuit at the expense of human lives has come to an end. It is a day of victory, not only for those spared of his cruelty, but for the hidden ones. The Order's grand plot in Baghdad may still be a mystery, but we can at least be certain Al-Ghul's role in it has been vanquished. I believe what he sought to uncover were more strange objects. Like the one I took from the Winter Palace. What does the Order want with these relics of the past? And why guard them with so much effort? You are beginning to ask the right questions, Bassem. We shall find the answers together. Lately, all I have are questions. What do you mean? Nothing. Forget I said anything. How am I to guide you if you will not speak openly? I have struggled with nightmares. In these dreams, a genie torments me until I wake up panicked and soaked with sweat. In Alamut, I had nearly forgotten about it. But when I killed Al-Ghul, I felt its presence again. तो बैसिम ने उसके हैलुसिनेशंस एंड इल्यूजंस के बारे में रोशन को बता दिया। Why now? Why me? Piling questions and no answers. Exactly, but ये सब हो क्यों रहा है ये बैसिम को भी नहीं पता है। उसके सपने में ये चीज क्या आ रही है? Think you weak of mind. We are only as weak as we allow ourselves to be. To shed a weakness, you must do what is necessary to mend that which causes you pain. Will you permit me a brief respite? I wish to seek out an old friend. Nihal? I remember. She is important to you, isn't she? She is. But last we spoke, I led her to believe otherwise. This causes you pain. Then go and heal this wound without delay. Find me at the Harbiya Bureau when it is settled. If that was indeed Nihal, I have not a clue where she went. Back home in Anbar, maybe. 3 skill points add ho chuke, badhiya. Pehle to yaar skill tree upgrade ki jaye.
I think we can go for Eagle Sense. Reveals the patrol path of marked enemies. Yaar, ye bhi kaam ka hai. और कुछ है क्या अच्छा लेने लायक? ऑटो कलेक्ट की जरूरत नहीं है यार. किकबैक ना. हम लोग मोस्टली स्टिल्थ पे फोकस करने वाले गाइस, तो ये सब स्किल्स ज्यादा कम ही ले तो बेटर है. ब्रेकफॉल भी अच्छा स्किल है, बट ये काफी कूल है. अगर ये हम लोगों ने अपग्रेड कर लिया तो हम लोग एनिमीज के पाथ को ट्रैक कर सकते हैं कि वो लोग नेक्स्ट कहाँ जाने वाले हैं, तो ये अपने स्टिल्थ गेम प्ले में बहुत काम आएगा. व्हाट एल्स? ट्रिक्स्टर, एलिक्सर, पॉकेट, ये ले सकते हैं, बट ये हम लोग नहीं ले सकते बिकॉज इसका फर्स्ट वाला पड़ाव पूरा नहीं हुआ है. चलो ठीक है, फिर ये लेना ही पड़ेगा. वी हैव वन मोर स्किल, इसमें रहने देते हैं, बचा के रखते हैं. तो करेंट ऑब्जेक्टिव इज लुक फॉर निहाल बैक होम. तो गाइज मैं याद दिला दूं, निहाल बेसिकली बासिम की ओल्ड फ्रेंड है एंड वो दोनों बिछड़ गए थे बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग, बट अभी शायद निहाल वापस दिखी है बासिम को, तो इट्स टाइम टू मीट हर एंड देखते यार अगर वापस दोस्ती बन सकती है, बिकॉज बहुत बुरी मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद ही वो लोग बिछड़ गए थे एंड देन बासिम हिडन वंस में इंक्लूड हो गया एंड हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि निहाल का क्या हुआ था. ईगल पॉइंट, ये तो कर ही लेते यार. चढ़ने की जगह कहाँ है? नहीं, क्या हो गया भाई, यहां से नहीं चढ़ पा रहा? अरे यार, ओके तो और लोकेशन देखते हैं. भाई कैसा स्ट्रक्चर है ये? चढ़ना पॉसिबल है भी कि नहीं? आई थिंक ये यहां से चढ़ना चाहिए. हाँ सही. तो आई थिंक अभी तक ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई है इसलिए इस कंडीशन में, बट एनीवेज ईगल सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट है तो ये करना बनता है. Let's go, leap of faith. भाई साहब जबरदस्त. Restricted area, क्यों? इसमें क्या है भाई? ओ चेस्ट, चलो अच्छा है. बट ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया क्यों है? यहां पे भी गार्ड्स है क्या मतलब? ओ सीक्रेट एंट्रेंस. चल बेटा घर जा, यहां पे कर क्या रहा तू? आई होप और गार्ड्स ना हो. है ठीक है, मतलब यहां पे कुछ ना कुछ है गाइस. वन डाउन. ओ चलो कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ भाई. भाई तेरी तो, भाई पैरी क्यों नहीं कर रहा है भाई? चल निकल यहां से, दफाओ बदतमीज कहीं का. यहां पे कर क्या रहे हो यार तुम लोग, ये बताओ पहले. हम लोग तो नॉर्मल ईगल सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट के लिए आए थे यार. है क्या यहां पे चीज? ट्रेजर,
ये जो दीवार है गाइस, ये असासिन्स क्रीड वैलहैला में भी देखी थी अपने। इसको फोड़ने के लिए ना यार कुछ तो चाहिए होगा। हाँ, इसको उठा के जा सकते हम लोग। एंड वन मोर चेस्ट। तो बहुत सारा ट्रेजर यहाँ पे छुपा के रखा हुआ है, इसलिए इतने सारे लोग यहाँ पे गार्डिंग कर रहे थे। लकीली हम लोग को मिल गया यार। चलो 1 2 3 बूम। देखते क्या है। ओके, मोर गार्ड्स। सेंटर में ट्रेजर, ऊपर भी गार्ड, इसको निपटाया जाए। भाई नीचे क्या दिख रहा है, चल घर जा। नीचे दो गार्ड्स है, ये उड़ाता। गो डाउन। अरे यार ये गार्ड बड़ा वाला है, चिल ब्रो। नहीं, वेट, ये क्या हुआ भाई। वेट, इसको ना ऐसे नहीं टारगेट करते, निकलते पहले यहां से। जितनी दूरी बना के इससे खेल पाएंगे उतना बेटर होगा। कहां है भाई, ऊपर आ रहा है, तो हम लोग नीचे चलते हैं। अरे चल क्या रहा है। वेट, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा गार्ड है, इसके साथ रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। ट्रेजर लेके निकलते हैं, नहीं तो चुपचाप इसको भटकने दो। बहुत सारा ट्रेजर है यार वैसे। कहीं पे तो एक हाइडिंग प्लेस चाहिए यार, जिसके वापस असासिनेट कर पाएंगे फिर से। एक काम करते, यहां हाइड कर लेते हैं। आई डोंट थिंक यहां आ पाएगा वो। आएगा आया। बदतमीज है भाई, आ रहा है इतने दूर। यस, वापस जा रहा है बट जा नहीं पाएगा। बहुत मस्ती दिखा दिया यार तूने। खत्म तेरा खेल, चल। Your hour has come. चलो अभी यहां आराम से देखते हैं क्या क्या है। भर भर के ट्रेजर मिल रहे हैं यहां पे। अच्छा इसके पीछे भी है, वाओ। ये मिला था ना हमें भाई, सही है। इक्विप करके देखते हैं कैसा चलता है। अभी के लिए बाहर निकला जाए।
बैक इनटू द लाइट. अच्छा सही है. तो गाइस करंट ऑब्जेक्टिव इज लुक फॉर निहाल बैक होम. निहाल से हम लोग को मिलने जाना है जो कि बासिम की ओल्ड फ्रेंड है, एंड यहां से हम लोग नेक्स्ट वाले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे. सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना. मिलते हैं वेरी सून इन द नेक्स्ट एपिसोड. तब तक के लिए वंस अगेन बाय एंड टेक केयर.